आगामी 1 दिसंबर से कौशल विकास विभाग एक बार फिर से पुराने विभाग में आ जाएगा। श्रम विभाग कौशल विभाग का मदर डिपार्टमेंट बन जाएगा। इससे पहले रघुवर दास सरकार में कौशल विकास विभाग श्रम विभाग के अधीन था, लेकिन 2 सालों बाद रघुवर दास की सरकार ने उसे शिक्षा विभाग के हवाले कर दिया। कई काम गड़बड़ी की चपेट में आ गया, अब इस गलती को सुधार दिया गया है। सूबे के हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक बार फिर से कौशल विकास विभाग को श्रम विभाग के अधीन कर दिया है। इससे पहले साल 2014 में कौशल विकास विभाग श्रम विभाग के अधीन था, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने साल 2016 में इसे उच्च शिक्षा विभाग के हवाले कर दिया। लिहाजा कई ऐसे निर्णय थे जो कि श्रम विभाग के अधिकारियों को लेना था, लेकिन इसे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी अनमने ढंग से ले रहे थे। तब ये कहा जाने लगा था कि शिक्षा मंत्री नीरा यादव सिर्फ कौशल विकास के फाइलों पर ही हस्ताक्षर करती हैं, निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं था। लिहाजा इस दौरान कई ऐसे निर्णय लिए गए जो सीधे सीधे दिल्ली से प्रभावित थे। कौशल विकास विभाग की कई एजेंसियां दिल्ली की थी, झारखंड में उसे सीधे काम मिल गया था। हेमंत सोरेन सरकार ने इस गलती को न सिर्फ पकड़ा बल्कि एक बार फिर से कौशल विकास को श्रम विभाग के अधीन करके सारे निर्णय राज्य स्तर पर लेने के लिए अधिकारियों को विवश कर दिया। इंटीग्रेशन में गैप आ गया था, ये स्मॉल शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बाद एम्प्लॉयमेंट को जोड़ने के लिए कौशल विकास डिपार्टमेंट है, ये मिशन है, और इसके लिए जो सही डिपार्टमेंट है, जो सही विभाग है, वो लेबर डिपार्टमेंट ही है। वहीं से सारे फैक्ट्रियां, सारी इंडस्ट्री, सारे सेक्टर्स वहीं से जुड़े हुए हैं, और अब इन दोनों चीज़ें जब इंटीग्रेट हो गई है तो राज्य सरकार के इस निर्णय से बहुत लाभ होने वाला है हमारे देश के युवाओं, राज्य के युवाओं को, और हमारे राज्य के जो लेबर है, मजदूर है, जो बाहर से आए हैं, उनको भी। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि कौशल विकास और लेबर डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा चीज़ ये रहेगा कि हमें जो बच्चों के रोजगार के लिए कनेक्ट करना पड़ता था, उसके लिए हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता था। अब यहीं से बच्चे जो हैं ट्रेनिंग करेंगे और आगे जाके जो है उनको हम लोग नौकरी दिला सकेंगे, तो ये बहुत ही बढ़िया निर्णय रहा। दरअसल कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल था। जैसे झारखंड में कौशल विकास विभाग का गठन हुआ, दिल्ली की कई एजेंसियां धड़ाधड़ रांची पहुंच गई। कई एजेंसियां तो ऐसी थी कि जिसका रांची में कोई ऑफिस तक नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने कई जगहों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो NSDC है, उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार है, वहाँ से दोनों का कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए इसको फिर से झारखंड सरकार के द्वारा कौशल विकास के कार्यक्रम को लेबर डिपार्टमेंट में लाया गया। जिस विजन के साथ सरकार काम कर रही है, सरकार का प्रयास है कि सभी बच्चों को, सभी एक तबके के बच्चों को एक समान ट्रेनिंग दिया जाए, और इससे निश्चित तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बेशक हेमंत सोरेन का ये फैसला पुरानी गलती को सुधारने जैसा है, साथ ही इस फैसले से ऐसे प्लेसमेंट एजेंसियों को भी सबक मिलेगा जो ट्रेनिंग करके युवाओं को यूही प्रमाण पत्र देकर छोड़ देते थे। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि एक ही विभाग जब सब कुछ देखेगा तो ट्रेनिंग लेने वालों को प्लेसमेंट कराने की जिम्मेदारी भी वैसे एजेंसियों को ही होगा जिन्हें श्रम विभाग से काम मिलेगा। 7वीं क्लास का छात्र ट्रेनिंग पाने के बाद रोजगार पाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कौशल विकास विभाग के सामने उच्च शिक्षा विभाग रोड़ा बनकर सामने आ जाता था। लिहाजा हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से कौशल विकास विभाग को श्रम विभाग के हवाले कर दिया। यह काम का शुरू होते ही एक बार फिर से कौशल विभाग नए साल में 2 दर्जन से ज़्यादा नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। करमन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची।